एक्स सर्विसमैन लीग ब्लॉक फतेहपुर ने गुरुवार को फतेहपुर के कस्बा बनाल में स्वतंत्रता दिवस ब्लॉक अध्यक्ष कैप्टन जीत राम शर्मा की अध्यक्षता में धूमधाम से मनाया। इस दौरान रिटायर्ड ज्वाइंट डायरेक्टर सुरेंद्र पठानिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं ब्लॉक नूरपुर के कर्नल नरेंद्र पठानिया विशेष आमंत्रित रहे। बनाल में मनाए गए 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 2 मिनट का मौन रखकर देश की आन बान बासान पर मिटने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में सभी साथियों से नशे के खिलाफ अभियान चलाने की अपील की। तो आपके बच्चे भी मेरे ख्याल से सबके ऑलमोस्ट जवानी हो गए हैं, बट जिनके भी हैं बोलते तो नहीं है, सबको उनको बचाने के लिए एक मुहिम हमने चलनी चाहिए। हमारे लिए चिंता का विषय है, हमारे समाज में ये बड़ी एक कमी आ रही है कि जैसे पंजाब में काफ़ी लोग नशा नशे से ग्रस्त हैं, उनके लिए बोला अगला समाज जो है बड़ा बर्बाद हो जाता है। इसलिए हम कोशिश करें अपने लेवल पे कि इसके लिए कोई रोकथाम के लिए हमको जो नशा मुक्ति के संबंध में हम अपने बच्चों को प्रेरित करें, आस पड़ोस में सबको हमारे समाज में नशे का ये ना हो, ये प्रयास हमें करना चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है सर से। और जो भी काम हम फौजी बीड़ा उठाते हैं वो सारा सिरे चलता है। एक बेहतर की बात चल रही थी अभी ECHS की, उस पर प्रकाश डाला हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने और इन्होंने भी, तो मैं भी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जितने भी इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल थे ECHS से बोला आप साइन करा के ले आओ, हम आपको हॉस्पिटल में आपका वो कला। तो मेरे पास, मैं जब ज्वाइंट डायरेक्टर था प्रोसिक्यूशन, तो ऐसे मामले आए कि बंदे की टांग में दर्द थी दाई में और काट दी बाई में, मतलब बाई टांग कटवा के आया बंदे ने। जब शिकायत करी तो कोर्ट में इंक्वायरी होने लगी तो कहते समझौता करा दो। किस आदमी की कहीं टांग में प्रॉब्लम थी और काटने की जरूरत क्या थी? कुछ बीमारियों से तो मैं आप सबसे करूंगा कि अपने आप को हमारे पास जो जीने का तरीका है उसको थोड़ा बदलो, शायद हम ये कोशिश करेंगे हमें इसके बाद जाना ही न पड़े। थोड़ा सा हिमाचल एक्सप्रेस के लिए फतेहपुर से सुरेंद्र मिन्हास की रिपोर्ट।